ट्रैवल, आज फिर से एक नया दिन और हमारी एक नई डेस्टिनेशन है, एक और फैमिली प्लेस। आपको टाइटल से अंदाज़ा हो ही गया होगा, लेकिन फिर भी जगह का नाम आपको वहाँ जाके डिस्क्लोज करेंगे। अभी हमने सफ़र अपना शुरू कर दिया है, टाइम हो रहा है 11:27 और अभी हम इस्लामाबाद से निकल रहे हैं। साथ साथ आपको रास्ता भी दिखाते रहेंगे। अच्छा, ये जो भी लास्ट टूर था ना अमरीका, उसमें मैं कह रहा था ना यहाँ पे वेदर क्लियर हो तो फैसल मौसम सब चीज़ें नज़र आती हैं। अगर आपको नज़र आ रही हो तो मैं थोड़ा जूम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ से। आपको मोनाल पे जाने की जरूरत नहीं है, यहीं से इतना अच्छा व्यू आ रहा होता है। सामने मांगला हिल्स हैं और इस टाइम पीस जो है सारी बादलों से कवर्ड है।
KFC भी है यार, पिज़्ज़ा हट भी है भाई, जो फास्ट फूड लवर्स हैं यहाँ से खाना खा सकते हैं। पहला व्यू हमारे पास आता है डैम का, बहुत ही खूबसूरत है नीला पानी। अभी चलते हैं डैम की तरफ। यार इससे पहले मैं खानपुर डैम गया था और अभी जो है मैं मंगला डैम देख रहा हूँ, लेकिन ये उसके मुकाबले में बहुत ज़्यादा बड़ा है। अभी मैं आपको रिज़ॉर्ट भी दिखाता हूँ, ये रिज़ॉर्ट है। अच्छा, यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि बच्चों के लिए भी झूले वगैरह हैं, स्लाइड्स हैं, तो आप लोग यहाँ पर इंजॉय कर सकते हैं। भाई कुछ बच्चे यहाँ पर इंजॉय कर भी रहे हैं। और मैं उस टाइम से जो है ना यहाँ पे बैठा हूँ, ये व्यू है और मेरा दिल कह रहा है कि मैं बस यहाँ पे बैठा जो है ना बस आराम से देखता हूँ। पुरसकून है, अगर आप देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, खाली रिजॉर्ट पड़ा हुआ है। टाइम बहुत अच्छा हमने चूज़ किया था, बहुत कम फैमिलीज आई हुई हैं और बहुत अब नेचर जो इन्जॉय करने आते हैं ना, इस टाइम मैं वो कर रहा हूँ।
वहां जाके ले लो वो ही वाले। जी दोस्तों, अभी जब मैं आपको रिज़ॉर्ट दिखा रहा था तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे कितनी खामोशी थी और हम कितनी आसानी से परिंदों की चहचहाने की आवाज़ और कुछ चबक पे पानी की आवाज़ भी बहुत साफ सुनाई दे रही थी। तो अभी आपको नीचे लेके चलते हैं डैम की तरफ। ये अच्छा, ये जो जगह आप देख रहे हैं नीचे जहाँ यहाँ से पानी आया हुआ है, मोस्टली यहाँ से ये जो जगह है यहाँ से नीचे तक जाते हैं और उसके बाद वहाँ पे जो मिट्टी है कह लेंगे वहाँ पे भी इवन लोगों ने कार पार्क्स की होती हैं, लेकिन पानी इतना ज़्यादा ऊपर आया हुआ है कि देखें ये जगह भी पानी में कवर हुई हुई है। अच्छा, यहाँ पे घूमने के बाद पैन बना के कुछ खाते पीते हैं और खाने पीने के लिए हमने ये सोचा कि साथ ही मीरपुर है तो मीरपुर चलते हैं और वहाँ किसी रेस्टोरेंट पर बैठ के खाना खाते हैं। तो जी यहाँ से गाड़ी निकाली और चल पड़े हम मीरपुर की तरफ। मीरपुर में हमें एक अजवा रेस्टोरेंट और बेकरी भी थी जगह मिली, यहाँ पे हमने कुछ खाना ऑर्डर किया जो कि आप वीडियो में देख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड पे हमने चाय पी। तो ये वीडियो यहीं करते हैं, यहीं पे एंड। तो मिलते हैं किसी और अच्छी जगह पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।